दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पोर्ट्स देखो में। दोस्तों क्रिकेट वैसे तो बहुत ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग खेल है, परंतु कभी कभी खेल के मैदान में जैसे जैसे सूर्य की किरणें धरती के तापमान को बढ़ाती हैं, ठीक उसी तरह कुछ खिलाड़ियों का भी तापमान काफी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिकेट मैच का माहौल भी काफी गर्म हो जाता है। कभी कभी तो कुछ खिलाड़ी मैदान में अजीबोगरीब करतब दिखा देते हैं, जिसकी वजह से यह खेल अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाता है और माहौल तूतू मैमे पर आकर अटक जाता है। कई बार तो यह मामला तूतू मैमे के भी आगे बढ़ गया है दोस्तों, जिसमें दूसरे खिलाड़ियों को भी इंटरफेयर करना पड़ा है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही 10 हाई वोल्टेज वाली तूतू मैमो के झगड़ों के बारे में बताने वाले हैं, जो क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों के बीच हुए और क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मजेदार वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी फाइट नंबर 1 की बात करते हैं। तो बिना समय हम बढ़ते हैं पहली हाई वोल्टेज वाली तूतू मैमे पर, जो हमें साल 2014 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हो रहे मैच के दौरान देखने को मिला था। इस मैच में श्रीलंका के दिलशान और पाकिस्तान के अहमद शहजाद आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगे, पर इसके कुछ क्षण बाद ही दिलशान शांत होकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं ताकि लड़ाई खत्म हो सके, पर शहजाद दिलशान को जाते हुए धक्का दे देते हैं, जिसके बाद यह लड़ाई काफी भयावह रूप ले लेती है और कुछ समय बाद वहाँ मौजूद अंपायर और शाहिद अफरीदी को लड़ाई सुलझानी पड़ती है। इस लड़ाई का स्वरूप ऐसा हो गया था कि शहजाद ने दिलशान को धर्म परिवर्तन करने की बात तक कह डाली थी, परंतु दिलशान इस बात को समझ गए थे कि भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो चुप रह गए ताकि यह लड़ाई जल्द खत्म हो सके। अब चलिए फाइट नंबर 2 की बात करते हैं। दोस्तों मैं तो यह सोच रहा हूँ कि ऐसी भयानक लड़ाइयों में अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बैट फेंक कर मार दे तो क्या होगा। जी हाँ, ऐसी एक हाई वोल्टेज लड़ाई हमने साल 2014 में आईपीएल मैच के दौरान देखी थी, जिसमें मिशेल स्टार्क की गेंदबाजी से किरण पोलार्ड काफी परेशान हो चुके थे और इसी गुस्से के चलते जब बॉल उनके बल्ले पर नहीं लग रही थी तो 7वें ओवर की 4थी बॉल पर पोलार्ड ने अपने बैट को गुस्से में जमीन पर घुमाकर दे मारा। शुक्र तो मिशेल स्टार्क को मानना चाहिए कि वो पोलार्ड के नजदीक नहीं थे, वरना वो किस हालत में फील्ड से बाहर जाते यह वह खुद भी नहीं जानते होंगे। अब चलिए फाइट नंबर 3 की बात करते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले मोमेंट की तरफ, जो हुआ था साल 2007 में एक वनडे मैच में। वनडे सीरीज का यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था। दोस्तों वैसे तो भारत और पाकिस्तान के मैच का मामला ऐसे भी हमेशा टेंस और गर्म ही रहता है। इस मैच में भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर और पाकिस्तान की शाहिद अफरीदी भयानक रूप से आपस में भिड़ गए और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी भाषा में बेहद गंदी गंदी गालियां भी देने लगे थे। शाहिद तो उर्दू में इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे कि वहाँ मौजूद कमेंटेटर ने भी उन गालियों को हिंदी में अनुवाद करने से मना कर दिया था। और इसी दिन से शुरू हुई थी इन दोनों के बीच की यह लड़ाई, जिसके चलते आपको आए दिन ट्विटर पर ये देखने को भी मिल जाता होगा। अब चलिए फाइट नंबर 4 की बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं 4थे हाई टेंस्ट मोमेंट की ओर। दोस्तों यह जो मोमेंट था उसे हाई नहीं बल्कि सुपर हाई वोल्टेज वाली लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से दो खिलाड़ियों का क्रिकेट लाइफ खत्म होने की कगार पर आ गया था। दोस्तों ये लड़ाई हुई थी बरमूडा के प्लेयर जेसन एंडरसन और जॉर्ज ब्राड के बीच में। इस भयानक लड़ाई की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि विकेटकीपर ने आकर बैट्समैन के सर पर पीछे जोर से मुक्का दे मारा, जिसके बावजूद भी बैट्समैन चुप रह गए और लड़ाई शांत हो ही गई थी कि विकेटकीपर ने फिर बैट्समैन को मारने की कोशिश की, और इसके बाद बैट्समैन ने भी पलटवार किया और फिर देखते देखते ये लड़ाई कब सड़क के कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई बन गई, कुछ पता ही नहीं चल सका। दोस्तों यह लड़ाई इतनी भयानक रूप ले चुकी थी कि कुछ समय बाद पुलिस मैदान में इन दोनों को उठाकर ले गई थी। अब चलिए फाइट नंबर 5 की बात करते हैं। पूरे क्रिकेट टीमों में एक ऐसी भी टीम रही है जिसके प्लेयर्स खेलने के लिए तो जाने जाते हैं, तो वहीं लड़ने में भी वो पीछे नहीं रहे हैं, और वह टीम है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों हमारी 5वीं हाई वोल्टेज मोमेंट इसी टीम के प्लेयर शेन वॉन से जुड़ी है। साल 2013 में बिग बैश लीग के दौरान शेन वॉन और वेस्टइंडीज के प्लेयर्स मॉर्लोन सैम्यूल्स आपस में भिड़ गए थे। दोस्तों हुआ यह था कि सैम्यूल्स पहली इनिंग में गलती से डेविड हसी को रन लेते समय पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से डेविड रन नहीं ले पाते हैं, और यह बात शेन वॉन को काफी बुरी लगती है, और अगली इनिंग में वे सैम्यूल्स से भिड़ जाते हैं और उनके गिरवान पे हाथ डाल देते हैं। इसके बावजूद सैम्यूल्स चुप रहते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई जल्द ही शांत हो जाती है, परंतु लड़ाई शांत होने के बाद भी शेन सैम्यूल्स के मुंह पर बॉल दे मारते हैं, जिसके बाद सैम्यूल्स भी अपना आपा खो बैठते हैं और बैट को शेन वॉन के मुंह पर उछाल मारते हैं। काफी मसा
मशक्कत के बाद मैदान पर उपस्थित अन्य प्लेयर्स इन दोनों की लड़ाई को शांत करवा पाते हैं और उसके बावजूद शेन सैमुअल्स को बार बार पागल बोलकर उकसाने की कोशिश किया करते हैं। अब चलिए फाइट नंबर 6 की बात करते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं साल 2013 के एक मैच की तरफ जिसमें फिर से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल होते हैं, परंतु इस बार उनका सामना वेस्टइंडीज से न होकर इंग्लैंड से हो रहा होता है और इस मैच में केविन पीटरसन बैटिंग कर रहे थे वहीं मिचेल जॉनसन बॉलिंग। दोस्तों किसी कारणवश पीटरसन अचानक क्रीज छोड़कर हट जाते हैं और इसे देखकर मिचेल जॉनसन गेंद को गुस्से में फेंक कर बड़बड़ाने लग जाते हैं। धीरे धीरे यह मामला तुल पकड़ने ही वाला था पर जल्द ही शांत भी हो जाता है। अब चलिए फाइट नंबर 7 की बात करते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक और हाई वोल्टेज वाली लड़ाई के बारे में और इसमें भी पिछली बार की ही टीम ऑस्ट्रेलिया को हम फिर से लाते हैं। दोस्तों बात है साल 2013 में एक T20 मैच की जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 4 रन की जरूरत थी। श्रीलंकाई कप्तान एंजेलो मैथ्यूज फील्डिंग को सजाने में थोड़ी ज्यादा समय ले रहे थे और इसी देरी की वजह से बैटिंग कर रहे मैक्सवेल गुस्से में आकर मैथ्यूज से बहस कर बैठते हैं, लेकिन बाद में अपनी इस गलती के लिए मैक्सवेल माफी भी मांगते हैं। अब चलिए फाइट नंबर 8 की बात करते हैं। दोस्तों हमारी अगली हाई वोल्टेज वाली खबर भी एक हाई वोल्टेज वाले खिलाड़ी से जुड़ी हुई है और वो है भारतीय प्लेयर विराट कोहली। दोस्तों बात है साल 2011 के वर्ल्ड कप के एक मैच की जब भारत का मुकाबला बांग्लादेश से था और इस मैच के दौरान कोहली इतने गुस्से में आ गए थे कि वो बांग्लादेश के प्लेयर रुबेल हुसैन को ग्राउंड पर ही बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे थे। विराट को शुरुआती दौर में उनके गर्म मिजाज के लिए भी दोस्तों जाना जाता है। अब चलिए फाइट नंबर 9 की बात करते हैं। दोस्तों क्रिकेट की अगली हाई वोल्टेज लड़ाई हुई थी साल 2017 में कैरेबियन प्रीमियर लीग में। यह लड़ाई पोलार्ड और रकीम के बीच हुई थी। दोस्तों हुआ यह था कि 16वें ओवर में पोलार्ड की गेंद से रकीम को जोरदार चोट आई थी जिसकी वजह से रकीम 18वें ओवर में आउट होकर पवेलियन की ओर रवाना हो रहे थे। तभी जाने के दौरान ही पोलार्ड रकीम को चिढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें खेलना नहीं आता और इसके अलावा इसी तरह की और भी बातें कहने लगते हैं। इन सब के बावजूद रकीम वहां से चुपचाप चले जाते हैं और लड़ाई होने से रह जाती है। अब चलिए फाइट नंबर 10 की बात करते हैं। दोस्तों अब हम आपको क्रिकेट इतिहास की सबसे हाई वोल्टेज लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं और यह लड़ाई साल 2013 के एक आईपीएल मैच के दौरान हुई थी। दोस्तों मैच था किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच का। इस मैच में मुंबई इंडियंस हार गई थी और जिसके चलते हरभजन सिंह का दिमाग का पारा काफी हाई लेवल पर पहुंच गया था। हाथ मिलाने के दौरान श्रीशांत ने हरभजन के मजे लेने के लिए उन्हें हार्ड लक बोला और यह सुनते ही हरभजन को गुस्सा आ गया और उसी वक्त हरभजन ने सबके सामने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद श्रीशांत फूट फूट कर रोने लगे थे। वहां मौजूद प्लेयर्स ने हरभजन को काफी सुनाया भी, जिसके बाद हरभजन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्रीशांत के पास जाकर माफी भी मांगी, जिसके बाद यह मामला शांत हो गया। तो दोस्तों आपको इन 10 हाई वोल्टेज लड़ाइयों में कौन सी लड़ाई सबसे बेहतर लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर जरूर बताएं। इसका पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें सभी क्रिकेट फैंस के साथ और भी ऐसे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वरना राइट वाली वीडियो देख सकते हैं।